हेलो गाइस, आप देख रहे हैं BSW। तो फाइनली बॉलीवुड के महास महाराजा अजय देवगन सर की आने वाली सुपर नेचुरल थ्रिलर मूवी शैतान से एक और ऑफिशियल पोस्टर निकल कर आ चुका है। यस गाइस, इनके यहां पर ये जो पोस्टर आया है ये आर माधवन सर का पोस्टर है। और आप सभी को पता है कि आर माधवन सर जो कि शैतान मूवी के अंदर मेन विलन है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब मॉर्निंग में मैंने आप सभी को शैतान मूवी को लेकर अपडेट दी थी तो मैंने उसी टाइम आप सभी को बता दिया था कि आज आर माधवन सर का जो पोस्टर है वो हमें देखने को मिलेगा। तो फाइनली पोस्टर चुका है। और पोस्टर के रिव्यू से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि शैतान मूवी को लेकर अभी तक मैंने जितनी भी अपडेट्स दी हैं वो 110% परफेक्ट हुई हैं। और नहीं, अभी ही मैं आप सभी को बता देता हूं कि शैतान मूवी का जो ऑफिशियल ट्रेलर है वो भी हमें 22 फरवरी या फिर 23 फरवरी को देखने को मिलेगा, और जो ज्यादा चांसेस हैं वो 22 फरवरी के। तो दोस्तों, अगर बात करें पोस्टर की तो यहां पर जो आर माधवन सर का पोस्टर निकल कर आया वो 22 एकदम खतरनाक टाइप का है। यस गाइस, इनके आप सभी को पता है कि जिस तरीके का हम को विलेन चाहिए वो भाई साहब हमें शैतान मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है। यस गाइस, इन्हीं के दृश्यम 2 से बहुत सारे लोग इस मूवी को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन दृश्यम 2 मूवी के अंदर जो कमी थी विलेन को लेकर वो भाई साहब अब शैतान मूवी के अंदर कंप्लीट होने वाली है। यस गाइस, यानी कि यहां पर अगर शैतान मूवी के ऑफिशियल पोस्टर को देखा जाए, यानी कि अजय देवगन सर की जो दीपिका मैम की जो लुक थी वो भी हम सब ने देखी है, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की लुक है। लेकिन यहां पर जो आर माधवन सर की लुक है ये भाई साहब बहुत ज्यादा खतरनाक है। यस गाइस, यानी कि एकदम डेंजरस टाइप की जो लुक है वो हमें आर माधवन सर की देखने को मिली। और अगर आपने पोस्टर को गौर से देखा होगा तो पोस्टर के बैकग्राउंड पे हमें जो स्केलेटन्स हैं वो भी देखने को मिले, और वो भाई साहब जो मोमबत्ती वाले सीन्स है यानी कि कैंडल वाले सीन्स है वो भी हमें आप देख सकते हैं कि चारों तरफ देखने को मिले, यानी कि एकदम खतरनाक टाइप का जो पोस्टर है वो हमें देखने को मिला है। तो यस गाइस, यानी कि यहां पर हम सब कह सकते हैं कि इस मूवी का अगर हम दृश्यम 2 मूवी के साथ कंपेयर करें तो वो भाई साहब आप कह सकते हैं कि दृश्यम 2 के अंदर जो विलेन वाली एक कमी थी वो हमें अब शैतान मूवी के अंदर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यस गाइस, दृश्यम 2 की भी कहानी आप सभी को पता है कि परिवार के ऊपर ही थी, और यहां पर भी ये जो कहानी होने वाली है भाई साहब परिवार के ऊपर होने वाली है। यानी कि आप कह सकते हैं कि भाई साहब अब की बार ये जो सिनेमा हमें देखने को मिलने वाला है ना 8 मार्च को, ये पब्लिक को 110% थिएटर तक खींचने पर मजबूर कर देगा। यस गाइस, पब्लिक आएगी इस मूवी को थिएटर में देखेगी और बहुत ज्यादा एंजॉय भी करेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या शैतान मूवी बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया बॉक्स ऑफिस क्रैकिंग कर पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से इस मूवी के पोस्टर आए और जिस तरीके से इस मूवी का सॉन्ग निकल कर आया तो हम सब अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई साहब ये मूवी कोई ना कोई बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है?